वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैन, मे, शुड और मस्ट के प्रयोग से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त करने के लिए आपको कैन प्रयोग करना है। अनुमति, अनुरोध या फिर संभावना का अभाव व्यक्त करने के लिए आपको मे प्रयोग करना है। चाहिए के लिए आप शुड प्रयोग करेंगे और अवश्य चाहिए के लिए आप मस्ट प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, Why और how plus can और may और should और must plus subject plus V1 plus other word। अर्थात यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहेगा तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस कैन और मे और शुड और मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, where, why, how, plus, can or may or should or must plus subject plus not plus V1 प्लस अदर वर्ड। अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस कैन और मे और शुड और मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वेल तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है तो यहाँ पर हम कैन प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, हम लोग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग में आया है अर्थात आपको व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है तो व्हाट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, कैन प्रयोग करेंगे। अब कैन के बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, हम लोग, वी। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है, करना, डू। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। वह कैसे कार खरीद सकता है, यहां पर भी क्षमता या फिर सामर्थ्य का अभाव व्यक्त हो रहा है तो हम कैन प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कैसे लगा हुआ है अर्थात हम सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे। हाउ के बाद कैन आ जाएगा, कैन के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, खरीदना, बाय। और जैसा कि आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि सेंटेंस में अदर वर्ड रहता है तब उसे हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अदर वर्ड क्या है, कार। कार क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती की जा सकती है तो इसके पहले हम ए प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड आता है। ठीक है, ए कार। वह कैसे कार खरीद सकता है, हाउ कैन ही बाय ए कार। आप उसे कैसे पीट सकते हैं, यहाँ पर आप देखो कि आप उसे कैसे पीट सकते हैं, यहाँ पर भी सामर्थ्य या क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है तो हम कैन प्रयोग करेंगे। चूंकि सब्जेक्ट के बाद कैसे प्रयोग में आया है तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे।
ठीक है, हाउ कैन, अब कैन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है आप, यू, सब्जेक्ट के बाद क्या था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है पीटना, बीट, ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि सेंटेंस में अदर वर्ड रहता है तो उसे हम प्रयोग करते हैं, यहां पर अदर वर्ड क्या है उसे, हिम, आप उसे कैसे पीट सकते हैं, हाउ कैन यू बीट हिम, ठीक है, मैं इस नदी को पार क्यों नहीं कर सकता हूं, यहां पर सबसे पहली बात देखो कि मैं इस नदी को पार क्यों नहीं कर सकता हूं, सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम कैन प्रयोग करेंगे। दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात हम सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से करेंगे, यहां पर कैन प्रयोग में आएगा, कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है मैं, आई, अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है, मैं इस नदी को पार क्यों नहीं कर सकता हूं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट प्रयोग करते हैं, ठीक है, अब नोट के बाद जो भी वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है पार करना, ठीक है, क्रॉस, अब चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड भी है, ठीक है, इस नदी को, दिस रिवर, ठीक है, अब देखो मैं इस नदी को पार क्यों नहीं कर सकता हूं, व्हाई कैन आई नॉट क्रॉस दिस रिवर, ठीक है, वह क्यों नहीं नाच सकती है, सबसे पहली बात ये क्या है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है और यहां पर वह किसी लड़की के लिए प्रयोग में आया है, ठीक है, अर्थात यहां पर हम सी प्रयोग करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा हुआ है तो सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है, वह क्यों नहीं नाच सकती है, ये यहां पर भी क्या है सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है, तो हम कैन प्रयोग करेंगे, तो कैन लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, तो सी, चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है नाचना, डांस, वह क्यों नहीं नाच सकती है, व्हाई कैन सी नोट डांस, ठीक है, वह कब आ सकता है, यहां पर देखो सब्जेक्ट के बाद कब आया है, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वह कब आ सकता है, यहां पर संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है, तो हम मे प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत वेन से करेंगे, वेन के बाद मे प्रयोग में आएगा क्योंकि संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है, मे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है वह किसी लड़का के लिए ही प्रयोग करेंगे, अब चूंकि सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट वर्ब, वर्ब यहां पर क्या है आना, कम, और इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वह कब आ सकता है, व्हेन में ही कम, यह बच्चा क्यों नहीं दौड़ सकता है, यहां पर सबसे पहली बात यह कि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दूसरी बात क्या है सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, तीसरी बात क्या है यह बच्चा क्यों नहीं दौड़ सकता है, सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है, अर्थात यहां पर हम कैन प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है तो हम व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है, व्हाई, व्हाई के बाद हम कैन प्रयोग करेंगे क्योंकि सामर्थ्य या फिर क्षमता का अभाव व्यक्त हो रहा है, कैन के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर क्या है यह बच्चा, दिस चाइल्ड, अब यहां पर एक चीज आप देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अर्थात सब्जेक्ट के बाद हम नोट प्रयोग करेंगे, नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब यहां पर क्या है दौड़ना, रन, और इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यह बच्चा क्यों नहीं दौड़ सकता है, व्हाई कैन दिस चाइल्ड नॉट रन, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात यहां पर चाहिए प्रयोग में आया है अर्थात आपको शुड प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है अर्थात हम व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो व्हाट
शुड। अब शुड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? उसे, ही। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है? करना, डू। उसे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही डू। हमें क्यों व्यायाम करना चाहिए? यहां पर एक चीज आप देखो, यहां पर भी वाक्य अंत में चाहिए आया है, अर्थात हम शुड प्रयोग करेंगे। दूसरी बात क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्यों प्रयोग में आया है? ठीक है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से करेंगे। व्हाई शुड, शुड के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? हमें, वी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है? व्यायाम करना, टेक एक्सरसाइज। हमें क्यों व्यायाम करना चाहिए? व्हाई शुड वी टेक एक्सरसाइज। हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर चाहिए प्रयोग में आया है, तो शुड हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से कर लेंगे। ठीक है, व्हाई शुड वी नॉट टेल ए लाइ। हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? व्हाई शुड वी नॉट टेल ए लाइ। उसे कहां खेलना चाहिए? वेयर शुड ही प्ले। उसे कहां खेलना चाहिए? वेयर शुड ही प्ले। मुझे वहां कब जाना चाहिए? व्हेन शुड आई गो देयर। मुझे वहां कब जाना चाहिए? व्हेन शुड आई गो देयर। उसे कैसे बोलना चाहिए? हाउ शुड ही स्पीक। उसे कैसे बोलना चाहिए? हाउ शुड ही स्पीक। हमें शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? यह क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाई शुड वी नॉट ड्रिंक। देखो, ड्रिंक का प्रयोग हम शराब पीने के लिए करते हैं। ठीक है, ड्रिंक में शराब पीना भी होता है और ड्रिंक में सिर्फ पीना भी होता है, तो हमें शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? व्हाई शुड वी नॉट ड्रिंक। हमें क्यों व्यायाम अवश्य करना चाहिए? यहां पर आप देखो, अवश्य चाहिए, अर्थात यहां पर हम मस्ट प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें क्यों व्यायाम अवश्य करना चाहिए? व्हाई मस्ट वी टेक एक्सरसाइज। हमें क्यों व्यायाम अवश्य करना चाहिए? व्हाई मस्ट वी टेक एक्सरसाइज।